भोपाल के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में शिक्षक वर्ग के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान पीएम मोदी का शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संवाद हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश बोलने वाली किताबें और CBSE के मूल्यांकन ढांचे का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। शिक्षक पर्व के मौके पर भोपाल के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया, जहां कोरोना नियमों का पालन करते हुए छात्र और शिक्षक मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, आप सभी ने कठिन समय में देश में शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो एकनिष्ठ प्रयास किया है वो अतुलनीय है, सराहनीय है। आज शिक्षक पर्व पर अनेक नई परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। ये पहल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज जो योजनाएं शुरू हुई हैं वो भविष्य के भारत को आकार देने में अहम भूमिका निभाएंगी। वहीं विद्यालय के छात्रों ने शिक्षक पर्व के मौके पर अपने विचार व्यक्त किए। छात्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से उन्हें ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिली हैं। शिक्षा दिवस के ऊपर प्रधानमंत्री जी की इतनी अच्छी स्पीच सुनी, हमें बहुत मोटिवेशन मिला। आज उन्होंने हमें कई सारी चीज़ों के बारे में बताया। बदलते हुए माहौल में, इस पैंडेमिक में जो नई शिक्षा नीतियाँ लागू हुई है वो उनके बारे में हमें बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग स्पीच दी, जिसमें उन्होंने हमारे लॉकडाउन के पीरियड में टीचर्स ने जिस टाइप से हमें मोटिवेट किया, जिस टाइप से हमें पढ़ाया, क्योंकि एकदम ऑनलाइन न्यू टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से लोगों को बहुत से दिक्कतें भी आई, लेकिन हमारे शिक्षक लगातार काम करते रहे और हमें मोटिवेट करा उन्होंने। आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ जस्ट वी वॉच दैट प्रोग्राम वेयर आवर प्राइम मिनिस्टर गिव सो मेनी इंफॉर्मेटिव थिंग्स टू आवर स्टूडेंट्स and explain how our teachers are evolving in us and brightening our futures, and our teachers are helping us so much in this pandemic period where lockdown was in and we have to face the virus and all, but our studies didn't stop because our teachers effort so much on us with this new technology, and our prime minister also enhanced this technology by giving so many words as dictionary platform. छात्रों ने बताया, कार्यक्रम के लिए वे पहले से ही उत्साहित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन्हें नई और उत्साह बढ़ाने वाली बातों को बताया है। छात्रों का कहना है कि जिस तरह कोरोना के दौरान लॉकडाउन में शिक्षकों ने उन्हें ऑनलाइन पढ़ाकर उनकी मदद की, वो बहुत ही सराहनीय थी। ऑनलाइन पढ़ाई और शिक्षकों के प्रयास से उनकी पढ़ाई ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। वहीं इस मौके पर शिक्षकों ने भी खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज 7 सितंबर को प्रातः 10:30 बजे शिक्षक पर्व का औपचारिक शुभारम्भ कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि हम 17 सितंबर तक चलने वाले शिक्षक पर्व को केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में भी बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। विद्यार्थियों में, शिक्षकों में, अभिभावकों में इस पर्व के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज के दिन बहुत से कार्यक्रमों का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। हम जानते हैं शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निष्ठा 1 पूर्ण हो चुका है, निष्ठा 2 चल रहा है और बहुत ही जल्दी निष्ठा 3 आरंभ होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य में उद्बोधन था, वह शिक्षकों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाला, उनको मार्गदर्शन देने वाला और उनके किए जा रहे प्रयासों की सराहना करने वाला था। उन्होंने हमें एक विजन दिया है कि जब हम आज़ादी के 100 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उस समय हमारा देश कैसा दिखना चाहिए, उसकी रूपरेखा आज से वो जो हमारा ये NEP 2020 है उसके माध्यम से उन्होंने इसकी फाउंडेशन ले कर दी है। और हम शिक्षकों को एक जिम्मेदारी दी है कि हम अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए
दिन रात प्रयास करते रहें, जैसे कि भारतवर्ष की परंपरा रही है। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।